हाय दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1। ठीक है, 11 नंबर देखिए। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, 10A, फर्स्ट नंबर, 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है का असत्य है, इसको बताना है। तो ये असत्य है, असत्य, ठीक, पुष्टि करना है कारण की, असत्य है क्योंकि क्योंकि 10 0 डिग्री का मान होता है 0। इसके बाद 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान 1। टेन 60 डिग्री का मान हो जाता है 3। टेन 90 डिग्री का मान हो जाता है वो परिभाषित। ठीक है, तो देखिए, 10 0 1/√3 1 के बराबर है, और क्या इसमें बोल रहा है 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं 1 के बराबर होता है और उससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, कौन A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। तो देखिए, इसका सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कर्ण बट्टे आधार। ठीक, तो देखिए कर्ण कितना हो जाएगा 12, आधार भी 5। तो देखिए, ठीक है, तो ई सत्य हो जाएगा, सत्य, ठीक है, क्योंकि क्योंकि विकर्ण अन्य दो भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, थर्ड नंबर, कॉस ए कौन ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये हो जाएगा असत्य, सत्य है क्योंकि कॉस ए कौन ए के कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, देखिए चार नंबर, कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, देखिए ये भी हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि या ए का कोटेंट होता है। देखिए पांच नंबर, क्या दिया हुआ, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, देखते हैं करके,
साइन थीटा बराबर 4/3। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना हो जाता है 4 और कर्ण 3। तो देखिए हमेशा ये कर्ण होता है, ये वाला भुजा बड़ा होता है। देखिए ये लंब बड़ा है इसीलिए ये हो जाएगा औसत्य। औसत्य क्योंकि क्योंकि विकर्ण विकर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता